शुक्रवार को बताया कि आरोपी ने पंछी को कई बार फर्श पर पटका, उसकी भावों को मोड़ दिया और कई बार हमले किए। बच्ची की माँ और आरोपी की पत्नी अफसरी बेगम की शिकायत पर शेख राजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 25 साल का शेख राजू गोलबंद रोड पर रहने वाला है। साउथ कोर्ट पुलिस ने बताया कि बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी बच्ची के जन्म से परेशान था और इस बात पर रोजाना अपनी पत्नी से झगड़ा करता था। नशे में धुत कार ड्राइवर ने डिवाइडर पर सो रहे चार लोगों को कुचला, एक की मौत। राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में एक बार फिर रफ्तार का कार देखने को मिला। दरअसल नशे में धुत एक कार ड्राइवर ने डिवाइडर पर सो चार लोगों को कुचल दिया, जिसमें 23 वर्षीय एक शख्स की मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल 3 अन्य लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। अवैध कारतूस की सप्लाई, अब चढ़े पुलिस के हत्थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली एनसीआर में अवैध कारतूस सप्लाई करते थे। इनके पास से 550 अवैध कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये आरोपी पिछले 8 महीनों से अवैध कारतूस सप्लाई कर रहे थे। उनकी कारतूस की फैक्ट्री भी है, जहां वे स्टील, पीतल और बारूद से कारतूस बनाकर सप्लाई करते थे। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।